आज हम लोग टेबल फैन की मोटर जाम मोटर को ठीक करना सीखेंगे। ये मेरे पास एक टेबल फैन आया है, इसकी मोटर जाम है। पहले हम इसको खोलेंगे। इसके कवर खोलने के लिए पहले इसका जाली खोलेंगे। जाली खोलने के बाद इसका हम लोग फैन खोलेंगे। फैन खोलने के लिए इसके साइड में एक स्क्रू दिया था, उसको खोल लें और आपका फैन निकल जाएगा। अब हम लोग मोटर के पीछे से स्क्रू खोलेंगे एक। अच्छा, इसका साइड कवर भी निकल जाएगा। और अब हम लोग इसकी सप्लाई खोलेंगे। पहले सप्लाई खोल दी, अब हम लोग इसकी मोटर अलग करेंगे। दोस्तों पहले हम लोग इसकी मोटर अलग करेंगे। पहले चारों पेच क्लास से आप लोग खोल, बाकी तो मैंने अपनी इसको पूरा खोलने और क्लीन करने के बारे में तो पिछली वीडियो में बताया ही है, आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप लोग देख लेना। लेकिन इसमें हम लोग सिर्फ मोटर के बारे में जानेंगे। चारों नट हाथ से खोल लें। एक एक करके ये दोस्तों अपनी मोटर अलग हो गई। हम लोग पंखे को साइड में रख देंगे। अब हम लोग दोस्तों हम लोग मोटर खोलेंगे। मोटर खोलने के लिए पहले पीछे के दो पेच खोल लें। दोनों खोलने के बाद ये कवर इसका हमने अलग कर दिया। अब हम लोग दूसरे भी खोलेंगे पेंच। दोस्तों दूसरे पेंच भी खोल लिए और इसकी सप्लाई अलग कर दी। अब इसमें से धीरे धीरे करके मोटर बाहर निकाल लें। ये देखिए दोस्तों, ये इसकी मोटर है जो बिल्कुल सही है, जिसका राउटर है जो जाम हो गया है। अब हम लोग इसको साफ करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, इसमें तो हम लोग मंगलायल डाल देंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा मंगलायल मत डालना दोस्तों, ये निकल जाएगा नहीं। थोड़ा थोड़ा मंगलायल डाल देंगे और इसको घुमाएंगे। ये बिल्कुल सही है दोस्तों, इसको थोड़ा साफ कर लें। और इसके दोस्तों राउटर को थोड़ा साफ कर दें, घिस दें। क्योंकि राउटर पे दोस्तों
कार्बन जम जाता है। ये देखिए अब अपना राउटर बिल्कुल साफ हो गया। अब हम लोग इसकी मोटर कसेंगे, इस पे भी थोड़ा थोड़ा मगलाई लगा दें दोस्तों दोनों तरफ। ये देखिए दोस्तों अब हम लोग दोस्तों थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, पहले हम लोग आगे का हिस्सा डालेंगे। आगे पीछे कर लगते दोस्तों इसमें मगलाइल बढ़िया से लगा दें। अब हम लोग इसकी मोटर लगाएंगे दोस्तों। अब हम इसका पीछे का कवर लगाएंगे। ये लग गया दोस्तों। अब हम इसके चारों पेच डालेंगे। पहले हम लोग दो पेच डालेंगे। दो पेच डाल के ये इसका पीछे का कवर लगाने के लिए जो होता है इसको भी साथ में कस देंगे। इन दोनों पेजों को दोस्तों पूरी अच्छी तरह से टाइट कर दें। तो दोस्तों इसका चौथा पेच भी डाल दिया हमने और इसमें सेल होल्डर लगा के इसका नट भी टाइट कर देंगे अच्छी तरह से। दोस्तों आप चाहे प्लास की मदद से या चाबी की मदद से चारों नट टाइट कर दें अच्छी तरह से। ये हमने टाइट कर दिए। अब हम लोग इसका राउटर घुमा के देखेंगे बढ़िया से घूम रहा है, नहीं तो थोड़ी सी चोट मार लें। अब पूरी अच्छी तरह से घूम रहा है, कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं आ रही। लो दोस्तों अब हम लोग इसको मोटर को वैसे ही जैसे खोला था। आगे से इसके पेंच डाल के हाथ से पहले टाइट करेंगे एक एक करके।
चारों केज क्लास की मदद से टाइट कर देंगे दोस्तों, अच्छी तरह से टाइट कर दें। अब हम लोग इसका पंखा लगाएंगे दोस्तों, पहले थोड़ी सी मोटर साफ कर दें। पंखे में यहाँ पे एक टक दिया होता है दोस्तों, वहीं पे इसका नट डाल के टाइट कर देंगे। ये डाल दिया हमने, अब इसकी आगे की जाली और रिंग लगाएंगे। रिंग को दोस्तों हमेशा नीचे की तरफ रखें, इसको अच्छी तरह से टाइट कर दें। ताकि ये खुले नहीं। तो दोस्तों अपना पक्का भी हो गया, अब हम लोग कनेक्शन करेंगे नीचे के मेन मोटर के। एक बार लगा के चेक करेंगे, अब हम लोग दोस्तों इसका सेल चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, इसका हम नया सेल लगाएंगे और फिर चेक करेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे, ये देखिए दोस्तों अपनी पंखी चल पड़ी। अब हम लोग इसको फिक्स करेंगे, सेल को सेल के होल्डर में डाल दें और जोड़ों पे हम लोग टेप लगा देंगे अच्छी तरह से। ये लग गया दोस्तों, अब हम इसका बैक कवर लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों, इसी तरह आप टेबल फैन की पंखी, टेबल फैन मोटर जिसकी जाम हो जाती है उसको ठीक कर सकते हैं और साफ़ भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।